हाँ तो दोस्तों, आज हम बड़े करीबी से आज आपसे कुछ बातें करेंगे व्हाट्सएप स्कैम को लेकर, कि क्या कुछ हो सकता है और क्या नहीं कर सकते ये लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग इस मामले को लेकर परेशान हैं कि सर मेरा वीडियो वायरल हो जाएगा। कोई बोलता है कि सर पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेगी, किसी ने कहा कि सर मेरे को आगे भविष्य में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, किसी ने कहा सर मैं जॉब करता हूं मेरी जॉब तो नहीं चली जाएगी, किसी ने कहा कि सर मुझे नौकरी करनी है, मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं, तैयारी कर रहा हूं, मेरे को भविष्य में इस चीज को लेकर कोई संकट तो पैदा नहीं। तो आज वो तमाम बातें करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो के साथ जरूर बने रहना। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर भारत में, और मैं हूं आपका दोस्त बी के तिवारी। दोस्तों वैसे अगर मैं बात कहूं कि साइबर स्कैम के रिलेटेड मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई, एक एक चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है जो मैंने आपको बताई, लेकिन आज एक बार फिर आपके जो दिल और दिमाग में जो डर बने हुए हैं, बिल्कुल मैं आपके 100% क्लियर करने वाला हूं। जो आपका डाउट था कि सर उन्होंने मेरा एक व्हाट्सएप पर वीडियो बना लिया, क्या कर लेंगे आपका वीडियो बनाकर, क्या उखाड़ लेंगे वो आपका वीडियो बनाकर, अगर उन्होंने कोई वीडियो बना लिया तो वो क्या कर लेंगे इससे ज्यादा कि वो आपको बोलेंगे कि आपका वीडियो वायरल कर देंगे। अगर मान लीजिए कि आपका वीडियो वायरल हो गया, क्या हो जाएगा दोस्तों? ये सिर्फ वो चीजें हैं जो आप व्यर्थ में चिंता करते हो, इसमें होना जाना कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये आप सिर्फ चिंता करते हो कि ये लोग आपका वीडियो वायरल कर देंगे। बेसिकली मैं आपको बहुत अच्छे से इस चीज को एक्सप्लेन करता हूं, ये साइबर क्रिमिनल है और ये सारी चीजों के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो क्राइम कर रहे हैं उसमें क्या ऑफेंस है, क्या सेक्शन इनके ऊपर लागू होता है, और इस सेक्शन जो इनके ऊपर लागू होंगे उनमें क्या इनके ऊपर चार्जेस लगेंगे और क्या सजा का प्रावधान है। ये जो क्राइम कर रहे हैं बहुत ही गंभीर क्राइम है, इस क्राइम में सजा से ज्यादा तो बड़ी मुश्किल ये होती है कि जब ये लोग पकड़े जाते हैं इनकी हालात खराब हो जाते हैं, क्योंकि ये क्राइम इस तरीके से कुछ होता है कि इसमें अलग अलग स्टेट्स के अंदर इन क्रिमिनलों को चक्कर काटने पड़ते हैं, इसलिए ये चाहकर भी आपको कभी भी एड्रेस नहीं बताएंगे, चाहकर भी आपसे ये ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे इनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएं। मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के आधार पर समझाता हूं। मान लीजिए किसी साइबर क्रिमिनल ने विभिन्न विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न विभिन्न स्टेट में ये स्कैम किए, और मान लो वहां पर सभी तरीके से जहां जहां इन्होंने स्कैम किया वहां वहां से कंप्लेंट रजिस्टर हुई, उन सभी कंप्लेंट की पुलिस, यानी कि जो कंप्लेंट रजिस्टर हो जाएगी तो पुलिस इन लोगों को ढूंढ रही है। ऐसे में मान लो किसी एक स्टेट के पास वो क्रिमिनल पकड़ा जाता है, अब वो सभी स्टेटों में उसके चक्कर लगने स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि पहले इस मामले से फ्री होगा, सेकेंड मामला, सेकेंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ। तो ये सारी चीजें जो ये क्रिमिनल बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए ये ऐसी कोई भी चीज नहीं करेंगे जिससे इनको इस परेशानी से सामना करना पड़े, और आप लोग व्यर्थ में इन लोगों की चिंता करके बैठे हो। आप लोग बोलते हो कि सर वीडियो वायरल हो जाएगा, 100% कभी ये लोग वायरल नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हें इस चीज का बहुत अच्छे से पता है, और ये लोग खुद इस बात को स्वीकार भी करते हैं कि हम लोग सिर्फ किसी व्यक्ति के साथ जब ये स्कैम करते हैं, फ्रॉड करते हैं, तब उससे एक बार कहते हैं कि पैसा दे दीजिए, अगर वो मान जाता है, वो पैसे दे देता है तो ठीक है, अगर कोई व्यक्ति मना कर देता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं दूंगा, तो हम उसका स्वतः ही पीछा छोड़ देते हैं, हम उसको आगे परेशान नहीं करते हैं। लेकिन हमारी जो पूरे इस स्कैम में जो प्रक्रियाएं हैं वो तीन भागों में हमने डिवाइड कर रखी, यानी कि पहले भाग में हमने लड़की को ये काम सौंप रखा है। उसका काम होता है कि वो ऐसे लोगों को चिन्हित करेंगी जो ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं किसी महिलाओं में, फीमेल में, लड़की में। उन लोगों से जब इंटरेस्ट उनका कंफर्म हो जाएगा, यानी कि वो कैसे होगा, उसके लिए वो आपको फेसबुक पर, आपको इंस्टाग्राम पर, आपको एक मैसेज, एक रिक्वेस्ट सेंड करेगी। जैसे ही वो रिक्वेस्ट आप स्वीकार करोगे, कंफर्म हो जाता है इन लोगों को कि आप दिलचस्पी रखते हो महिलाओं में। उसके बाद आपके पास एक मैसेज, हेलो हाय का, आपकी स्वीटी, स्वीटी का मैसेज देखते ही जो आदमी बड़े खुश हो जाते हैं वो उन्हें बहुत ही जल्दी नंबर प्रोवाइड करा देते हैं। जैसे इन लोगों के पास नंबर आएगा, उस नंबर का ये गलत यूज कैसे करते हैं, आपको वीडियो कॉल करेंगे। वीडियो कॉल का प्रॉपर रिकॉर्ड कहीं नहीं रहता, इसलिए ज्यादातर वीडियो कॉल का
पूरा फ्रॉड में सहारा लिया जाता है। उसके बाद आपका वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद आपसे पैसे की डिमांड की जाएगी उस वीडियोज को वायरल करने की बोलकर। आप पैसा देते हैं ठीक है, नहीं देते हैं आपका जो लड़की का पार्ट था वो वहीं खत्म हो जाता है, यानी कि लड़की अब आपको ब्लॉक कर देगी। अब नेक्स्ट पार्ट होगा YouTube के एक ऑफिसर का। YouTube के एक ऑफिसर की बात करूं, YouTube का ऑफिस नहीं है और YouTube के ऑफिस से कभी भी किसी के वीडियो अपलोड नहीं किए जाते हैं। मैं कई वीडियो में ये चीजें क्लियर कर चुका हूं, फिर आपको बता देता हूं, YouTube का ऑफिस हमारे देश में नहीं है। और अगर कोई ऐसा ऑफिस है कि जो आप समझ रहे हैं, जिसे गूगल का ऑफिस जो गुड़गांव में है उसको समझ, वहां पे वीडियो अपलोडिंग नहीं की जाती। किसी वीडियो बनाकर, किसी व्यक्ति का अश्लील वीडियो बनाकर, कैसे भी तरीके से उसका कोई वीडियो बनाकर वहां यूट्यूब कभी किसी का वीडियो अपलोड नहीं करता। इसलिए बहुत अच्छे से समझ लें, वो फ्रॉड नंबर टू इस स्कैम का सेकेंड नंबर का पार्ट है, यानी कि जो यूट्यूब का एक ऑफिसर है। आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। जहां एक और YouTube ऐसे वीडियोज को रोज रिमूव कर रहा है, उनको वहां से डिलीट कर रहा है, एक ये YouTube का कौन सा ऑफिसर आ गया जो हमारे ऐसे वीडियोज को YouTube पर अपलोड कर रहा है। यानी कि स्वाभाविक सी बात है, सिर्फ समझने की बात है कि साइबर क्रिमिनल है, आपको डरा रहा है, झूठी धमकियां दे रहा है। और झूठी धमकियों से अगर आप डरते हैं तो फिर आप शेर नहीं, आप समझ सकते हैं आप क्या है। और मैं ये मानता हूं कि आप शेर हैं, और शेर हैं तो इनको जवाब देना सीखिए। कैसे जवाब देना है, मैंने बहुत सारे वीडियो बनाकर बता रखा है। आपको बोलना है, नहीं है और एक रुपया हमारे पास देने के लिए तुम्हें, जो तू उखाड़ सकता है, जो तू हमारा बिगाड़ सकता है बिगाड़ ले, हमने लाखों देखे हैं तेरे जैसे, हमारा यही काम है, हम तेरे जैसे ही देखते हैं, और तू क्या बिगाड़ेगा और तू क्या वायरल करेगा, वायरल तुझे हम करते हैं। अगर ये बात आप बड़े रोब के साथ बात करते हो, निश्चित ही आपको ब्लॉक कर देगा। आप नंबर आता है तीसरा, हो सकता है दूसरी नंबर पे जो आदमी आपको फोन किया था उसने ये सारी चीजें तीसरे वाले को भी बताया है कि ऐसा ऐसा बोल रहा है, बहुत खतरनाक और डेंजर टाइप का आदमी। तीसरे नंबर का व्यक्ति आपको कॉल ही ना करे। 1% अगर वो अगर ज्यादा होशियारी अगर आपसे करता है कि मैं साइबर क्राइम का अधिकारी बोल रहा हूं, घबराने की 1% जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको शेर बने रहना है। शेर कैसे बने रहोगे आप, उसके लिए बोलना है कि तू किस थाने से बात करता है, मैं उसी थाने में आकर तेरे से बात करता हूं। हरामखोर, तू मुझसे रिश्वत के पैसे मांग रहा है। आपकी ये बातें सुनकर वो इतना घबरा जाएगा और आपके उस फोन को खुद काट कर आपको ब्लॉक करके भाग जाएगा। आप उसका पीछा क्यों छोड़ रहे हो, आप लगातार उसे पीछा करते रहे, वो कितने नंबर ब्लॉक करेगा, वो खुद आपसे परेशान हो जाएगा। जो क्रिमिनल जो रोज आपको फोन करके परेशान करता था, वो क्रिमिनल खुद अपना पीछा छुड़वाने के लिए भाग रहा है। लेकिन इसके लिए आपको शेर बनना होगा, और मैं जानता हूं कि आप शेर हो क्योंकि आप मेरे वीडियोज देखते हो, इसलिए आपके अंदर बिल्कुल भी डर नहीं। और मुझे पता है कि आप बिल्कुल भी नहीं डर रहे, और नहीं डर रहे हो इसीलिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। अन्यथा अगर आपको डर होता तो इस वीडियो को आप लाइक भी नहीं करते। दोस्तों, मुझे पता है आप मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हो, यानी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, यानी कि आपको इन चीजों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, आप मेरे साथ हैं। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को अगर देखें और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर तो बनता है यार। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।